ये मौत तो तिनवारी थाने में हुई है, 3 दिन से बुला रहे हैं लोग केस कर। कौन बुला रहा था 3 दिन से? थाना ऐसो 3 दिन से बुला रहे हैं वो लोग को, जो भी करना है कार्रवाई कीजिए ना। आप 3 दिन से क्या बुला रहे हो आप? उन्होंने ये तो टॉर्चर किया, ये तो विसंबर द्वारा मरवाया, ये तो मेरे ख्याल से उसने फांसी लगाया, उसको टॉर्चर किया गया, फांसी ये तो पैसे की मांग की गई है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। लॉकअप के अंदर? लॉकअप के अंदर लगाई है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, यहाँ एक बबलू सिंह करके हैं, ये मट्टा डेरा गांव के हैं, इनका किरतों से कुछ विवाद था पड़ोसियों से, तो उसी सिलसिले में 2-3 दिन पहले यहाँ NCR लिखी गई थी, तो उसी में आज इनको थाने पर ये लोग आए हुए थे। कुछ सुलह समझौते की बात भी चल रही थी, लेकिन उसी दौरान ये जानकारी हुई कि अंदर होमगार्ड के कमरे में बबलू सिंह ने फांसी लगा ली। यहाँ से तुरंत उसको सीरियस हालत में ले जाया गया, वहाँ बांधा में यहाँ उनके परिजन वगैरह आए हुए हैं, हमारे लोग भी हैं, प्रयास किया जा रहा है कि जो कार्रवाई सही दिशा में हम लोग कर पाए। बांदा के तिंदवारी थाने में बबलू नाम के युवक ने पुलिस लॉकअप में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत के बाद उसके परिजन रूबरू हो गए और थाने के सामने जमकर हंगामा काटा। मैं इस समय थाने पर भी मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं ये तिंदवारी थाना ही है जहाँ पर मृतक के जो परिजन हैं, जो ग्रामीण हैं, उनकी भीड़ जमा है। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर जो मृतक के परिजन थे, जो ग्रामीण थे, उन्होंने तो सड़क पर, ये बांदा फतेहपुर रोड है, यहाँ पर जाम लगा दिया था और पुलिस पर तमाम गंभीर तरीके से आरोप लगाए गए हैं इनकी तरफ से। फिलहाल अभी भी मौके पर जो स्थिति है वो भी काबू में नहीं है, भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। SP ASP जिले भर के जितने भी सर्किल ऑफिसर हैं, इसके अलावा PSC, सब यहाँ पर तैनात किया गया है। मानस सन्हा तिवारी, ETV भारत।